गाज़ियाबाद का फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन है और 18 को यहाँ के निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 25 मार्च है, नाम वापसी 28 मार्च तक किया जाना है। 11 अप्रैल को यहाँ इलेक्शंस हैं और उसके बाद फिर मई में काउंटिंग है। हम लोग फर्स्ट फेज़ के अनुरूप सभी तैयारियाँ कर रहे हैं। इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जा चुका है, जो विभिन्न तरह की प्रचार सामग्री पार्टीज़ के द्वारा लगाई गई है, पहले से कुछ लगी हुई है, उसको लगभग सब जगह उतार दिया गया है। मॉडल कोड कंडक्ट इम्प्लीमेंट कराने की सभी टीम्स, जैसे स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं हमारी, FST हैं, और सोशल मीडिया मॉनिटर और प्रेस मॉनिटर करने के लिए जो टीम्स हैं, सभी टीम्स हम लोगों ने गठित कर दी गई हैं। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर दिए गए हैं, उनकी एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी हम लोग करा चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न कार्य आगे किए जाने हैं, चाहे बैलेट की प्रिंटिंग का है, चाहे EVM का कार्य है, सभी के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा टारगेट इस बार ये रहेगा कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन में गाज़ियाबाद का पोलिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत अन्य ज़िलों से कुछ कम था, तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोग बूथ पर आकर मतदान करें। तो स्वीप कैंपेन हम लोग काफ़ी महीनों से चला रहे हैं, उसको और अब तेज़ी से चलाएंगे, और आप लोगों के माध्यम से भी सभी गाज़ियाबाद वासियों से ये अनुरोध रहेगा कि वोटिंग वाले दिन, मतदान वाले दिन बूथ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में करें। इस बीच में हम लोगों ने जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हुआ था, उसमें भी लगभग 1,30,000 के करीब नए मतदाता उसमें ऐड हुए हैं। अभी भी जो रिवीजन चल रहा है उसमें भी 55,000 के करीब फॉर्म आ चुके हैं और 18 से पहले और फॉर्म जाने की उम्मीद है। तो इन सभी नए वोटर्स का भी नाम मतदान सूची में ऐड होगा, इनके एपिक कार्ड्स भी प्रिंटिंग के लिए चले गए हैं। तो हम लोग की सभी तैयारियां जो शेड्यूल है उसके अनुरूप चल रही हैं। मैं कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं, उनके लिए कुछ अलग से कुछ इंतजाम जी इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार क्रिटिकल और वल्नरेबल दोनों तरह की बूथ्स और सेंटर्स की मैपिंग होती है, वो हम लोगों ने की है और उन पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जो वल्नरेबल हैमलेट्स पाए गए हैं उन पे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स कल से राउंड लेना शुरू करेंगे, वो अपनी फ्रेश वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी करेंगे, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इलेक्शन से पहले जो भी इस तरह के चिन्हित पॉकेट्स हैं उनमें वल्नरेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म करा दी जाए। जी सवाल एक, कितनी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है? दूसरा ये कि GPS ट्रैकिंग आयोग ने कहा था कि इनकी मूवमेंट्स की जाएगी, वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, VVPAT से पूरे देश में इस बार 100% चुनाव होगा और हमारे पास गाज़ियाबाद में सफिशिएंट क्वांटिटी में VVPATs EVMs अवेलेबल हैं। साथ ही जो हमारे मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, जो मूवमेंट पूरा अपने चुनाव वाले दिन रखेंगे, उनके सभी व्हीकल्स की GPS ट्रैकिंग होगी। तो इसके लिए आयोग के द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उसी के हिसाब से उनके व्हीकल्स में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगेंगे। मैडम ये है कि सोशल मीडिया पर विजिल रखने को कहा है और ये भी कहा है कि कैंडिडेट्स में खर्चा जोड़ा जाएगा अगर सोशल मीडिया पर कोई प्रचार प्रसार होता है। इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं समर्थक हूँ और मैं इसको शेयर कर रहा हूँ तो क्या आप लोग उसकी अकाउंटेबिलिटी उस कैंडिडेट्स में लगाएंगे या किस तरीके से करेंगे? सोशल मीडिया पे जो भी गतिविधियाँ हैं उसको चेक करने के लिए MCMC कमिटी का गठन जनपद में कर दिया गया है और उसमें एक सोशल मीडिया पर वॉच करने के लिए एक्सपर्ट रखे गए हैं, एक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रखे गए हैं। तो एक बार नॉमिनेशन फाइनल हो जाता है तो नॉमिनेशन के दिन के बाद से जितना भी खर्चा, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, उसकी सभी गतिविधियों पे टैब रखने की जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी और जो भी खर्चा, जो इस तरह की गतिविधियाँ दिखती हैं उनको अकाउंट फॉर उस कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में इस कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा भी वे की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग कमिटीज आयोग के निर्देशानुसार गठित हैं।